नमस्कार, आप देख रहे हैं वज्रपात न्यूज। बेतिया से बड़ी खबर। बेतिया में आधे दर्जन पुलिस पदाधिकारियों का हुआ तबादला। बलथर थाना के नए थाना अध्यक्ष होंगे अरविंद कुमार, तो वही वन क्षेत्र मानपुर के नए थाना अध्यक्ष होंगे सज्जाद गद्दी। पुलिस अधीक्षक ने 24 घंटे के अंदर योगदान देने का जारी किया निर्देश। बेतिया पुलिस जिला अंतर्गत आधे दर्जन थानों में नए थानेदारों की पदस्थापना पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा की गई। इनमें कुछ वैसे थाने हैं जिसके प्रभारी थानाध्यक्ष के रूप में कनी अवर निरीक्षक के द्वारा थाना को संभाला जा रहा था। वही इस स्थानांतरण में छोटे से बड़े थाना और किसी को बड़े से छोटे थाना का कमान दिया गया। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि जिले के विधि व्यवस्था को और अधिक चुस्त दुरुस्त करने को लेकर पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा के द्वारा बड़ी सोच समझ कर और कुशलपूर्वक इस स्थानांतरण को करके थानों की कमान सौंपी है। जिला आसूचना इकाई के और निरीक्षक अरविंद कुमार को बलथर थाना का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया है, तो वही सिरिसिया ओपी के थाना अध्यक्ष प्रणय कुमार को बैरिया थाना अध्यक्ष की कमान सौंपी गई। सीमावर्ती वन क्षेत्र में आने वाले मानपुर थाना के थाना अध्यक्ष विकास तिवारी को सिरिसिया ओपी का प्रभारी बनाया गया। वही सनिचरी थाना के थाना अध्यक्ष सज्जाद गद्दी को मानपुर थाना अध्यक्ष और बैरिया थाना के प्रभारी थाना अध्यक्ष मनोज कुमार को सनिचरी थाना का नया थाना अध्यक्ष बनाया गया। बैरिया के पूर्व थाना अध्यक्ष दुष्यंत कुमार को पुलिस केंद्र में से मझौलिया थाने में कनिया वन निरीक्षक के पद पर स्थानांतरित किया गया है। बताया चले कि बैरिया थाना अध्यक्ष के पद पर रहे दुष्यंत कुमार शेल्टर होम की सच्चाई बताने को लेकर विवादों में फंस गए थे, जिसके पश्चात उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया था और बैरिया थाना प्रभार में ही चल रहा था। वही मझौलिया के तत्कालीन थानाध्यक्ष अशोक कुमार को कर्तव्यहीनता के आरोप में पुलिस उप महानिरीक्षक प्रणव कुमार प्रवीण के द्वारा सस्पेंड किया गया था, जिसके बाद आज तक मझौलिया थाना भी प्रभार में ही चल रहा था। ऐसे में पुलिस अधीक्षक उपेंद्र वर्मा के लिए मझौलिया थाना में नया व कुशल थानाध्यक्ष देना भी एक चुनौतीपूर्ण है, जो इस बड़े थाना को अपराध मुक्त कर और जनता व पुलिस के बीच सामंजस्य बनाकर थानेदारी पूरी कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, वज्रपात न्यूज, बेतिया।